असलम दोस्तों, मैं नदीम और आप देख रहे हैं इनपुट डायरी। तो आज की वीडियो में हम बहुत ही जो है ट्रेनिंग क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं, जिसे बहुत ज़्यादा जो है मुख्तलिफ फॉर्म से और ग्रुप से वगैरह में पूछा जाता है, और ज़्यादा बहुत सारे जो इंटरव्यूज़ में भी इस क्वेश्चन को जो है वो पूछा जाता है। तो ये आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो सिटी से रिलेटेड है। क्वेश्चन ये है कि हम सिटी की सेकेंडरी वाइंडिंग को हमेशा शॉर्ट सर्किट ही क्यों रखते हैं, उसको अगर हम उसको ओपन करेंगे तो उसका क्या होगा, उससे सिटी पे क्या इफेक्ट होगा। तो आज की वीडियो में हम जो है इस क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हो तो हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं सिटी की कुछ टाइप्स आपको दिखा देता हूँ, ये कुछ डिज़ाइन आप कह सकते हैं। तो ये कुछ सिटी के डिज़ाइन हैं, और सिटीज़ को कुछ इस तरह से जो है वो यहाँ पे बस बार पे लगाया जाता है, या अगर आप एग्जांपल लेते हैं केबल्स वगैरह पे, तो इस तरह से इसको जो है डायरेक्टली इसके जो इस बोर होता है या होल होता है सेंटर वाला, उसमें से जो है केबल को गुजारा जाता है, जिस केबल का हमने जो है करंट मेजर करना होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि वाई सिटी सेकेंडरी इज ऑलवेज शॉर्ट सर्किट, हम यानी कि सिटी की सेकेंडरी को हमेशा शॉर्ट सर्किट ही क्यों रखते हैं। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको सिटी का जो है प्रिंसिपल बता दूं, वर्किंग प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जब भी ये एक सिंपल करंट ट्रांसफार्मर ही है, ट्रांसफार्मर की तरह बिहेव करता है। ट्रांसफार्मर का हमें पता है कि जब हम इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, तो क्योंकि उसकी वाइंडिंग कोर पर होती है तो कोर में मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होता है, और उसकी सेकेंडरी साइड पर मौजूद वाइंडिंग में से उस फ्लक्स की वजह से जो है इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो शुरू होता है। इसलिए हम जो है एक से वाइंडिंग से दूसरे वाइंडिंग में जो है इलेक्ट्रिसिटी को जो है पास करते हैं। तो इस सिटीज का भी कुछ ऑपरेशन इसी तरह से है। इस तरह से ये जो आप देख रहे हैं केबल को हमने इसके में से गुजारा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास जो है वो ये एक केबल है, ये हमारे पास ये प्राइमरी वाइंडिंग काम करता है। ये सिटी के कोर में से या इसके होल में से गुजारी हुई है, और ये सिटी का जो है वो ये इसकी कोर है। तो इस कोर के ऊपर ये हमारे पास है इसका सेकेंडरी वाइंडिंग रहता है ये वाला सारा। तो जब भी इस केबल में से या इस कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, तो इस करंट की वजह से इस कोर में जो है हमारे पास वो इस कोर में फ्लक्स पैदा होता है। तो इस फ्लक्स की वजह से जो, क्योंकि इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग इस कोर के ऊपर की हुई होती है, तो इस वाइंडिंग में जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। और हमारे पास ये यहाँ टर्मिनल की जगह पर हमने जो है ये एमीटर जो है हमारे कनेक्ट किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो इस एमीटर से हम जो है वो इस करंट को जो है वो मेजर कर लेते हैं। तो ये एक इसका बेसिक सा जो है प्रिंसिपल है। इसकी जो प्राइमरी टर्न होती है वो सिंगल टर्न होती है, और इसकी सेकेंडरी जो है मल्टी टर्न होती है। अब अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि इसका क्वेश्चन ये इफेक्ट क्यों होता है, अगर हम सिटी की यहाँ से जो इसके टर्मिनल हैं ये वाले, अगर हम इनको जो है वो ओपन कर देते हैं, यहाँ से ये मीटर उतार देते हैं, यहाँ से ओपन हो जाते हैं इसके टर्मिनल सेकेंडरी, तो हमारी सिटी पर क्या उसका असर पड़ता है। तो ये होता है कि हमारी सिटी जो है बहुत ज़्यादा हीटअप होती है, तो और ये बर्न हो जाती है या डैमेज हो जाती है आप कह सकते हैं। ये ऐसा क्यों होता है उसको ज़रा देख लेते हैं। जैसे हमारे प्राइमरी साइड पे इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होता है, तो इस करंट की वजह से हमारे पास कोर में फ्लक्स पैदा हुआ, और इस फ्लक्स की वजह से यहाँ पे, क्योंकि ये ज़्यादा मल्टी टर्न है, इसका मतलब है यहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज पैदा होंगे और इसमें से इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो हो जाएगा। अब जो इस फ्लक्स की वजह से इसमें इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो हो रहा है, इस करंट की वजह से एक जो इट सेल्फ इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड जो कोर में पैदा हो प्राइमरी वाइंडिंग की वजह से, इस प्राइमरी जो है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कोर में पैदा हो रहा था, उस फ्लक्स को जो है वो कैंसिल कर रहा है, यानी कि उसका कुछ पार्ट जो है वो उसको कैंसिल कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो फ्लक्स ओवरऑल जो फ्लक्स कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे वोल्टेज जो है सेकेंडरी वाइंडिंग में वो एक लिमिट में रहते हैं। जब होता क्या कि हम यहाँ से इसको ओपन कर देते हैं, तो इसमें से इलेक्ट्रिकल करंट का जो फ्लो होता है वो रुक जाता है। तो प्राइमरी में से जब करंट गुजरता है, तो इसमें कोर में फ्लक्स पैदा होता है और इसमें वोल्टेज इंड्यूस होते हैं। तो इस तरह से, क्योंकि अब जो हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग में इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो हो रहा था, उस करंट की वजह से हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था, और वो हमारे इस कोर वाले जो फ्लक्स था उसको कैंसिल आउट कर रहा था उसके कुछ पार्ट को। तो ये वाला जो इफेक्ट होता है ये ख़त्म हो जाता है, यानी कि ये मैं सिर्फ आपको लेंज ला बता रहा हूँ, आप भी जानते होंगे इसके बारे में। तो इसकी वजह से हमारे पास जो फ्लक्स का कुछ पार्ट था वो कैंसिल आउट हो रहा था, अब वो कैंसिल नहीं हो रहा, और इसी तरह से हमारे पास जो कोर में है फ्लक्स वो बढ़ता जा रहा है, और इसकी वजह से हमारे पास इसके जो सेकेंडरी टर्न्स हैं हमारे पास, इसमें जो है सेकेंडरी वाइंडिंग आप कह सकते हैं, इसमें वोल्टेज इंक्रीज होते जाते हैं।
और साथ साथ ही हमारे पास जो होता है इस कोर में जो है हिस्टोरेसिस लॉसेस और एडी करंट की वजह से जो ये कोर हीट अप होती जाती है, और जैसे हमारे पास वोल्टेज भी जो है बहुत हाई हो जाते हैं, तो इसकी वजह से जो कोर होती है हमारे बहुत ज़्यादा हीट अप होकर हमारी जो सेकेंडरी की वाइंडिंग की इंसुलेशन होती है वो इस इतने वोल्टेज के लिए डिज़ाइन नहीं होती, तो ये वो जो है वो इंसुलेशन ब्रेक हो जाती है और ये हमारा शॉर्ट सर्किट आप कह सकते हैं, या हमारी सीटी जो है वो बर्न हो जाती है। तो ये एक सिंपल सा इसका जो है इफेक्ट था, और ये बहुत ज़्यादा जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आप इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं या किसी भी आप खास टॉपिक पे कोई वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप इस तरह की और भी जो है इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो इस वीडियो के ऊपर आपको हमारे चैनल का जो है वो लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो तमाम वीडियोज़ होती हैं वो फेसबुक पे जो है डालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हमारा इस चैनल को बनाने का मकसद ये है कि जो हमारे न्यू दोस्त हैं इलेक्ट्रिकल की फील्ड में जिनके फ्री हैं और जॉब वगैरह नहीं कर रहे, तो उन्हें एक इंडस्ट्री लाइन से या प्रैक्टिकल लाइफ से एक जो है वो अच्छा कॉन्सेप्ट देना है। और भी मैंने पावर फैक्टर कुरेक्शन से और केबल साइज कैलकुलेशन से रिलेटेड भी वीडियो जो है अपने चैनल पर डाली हुई हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो उन वीडियो को भी आप आगे देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो इजाज़त दीजिए, जो हम याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।